दोस्तों अगर हम कार्य की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बारीकी से इस जो पिलर्स हैं उसको निखारा जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इन्हीं पत्थरों से प्रभु श्री राम जी की मूर्तियाँ बनाई जाएंगी और उन मूर्तियों को राम मंदिर के अंदर रखा जाएगा। ये जो तीन शिलाएं हैं यहाँ पर भी आपको तीन शिलाएं देखने को मिल जाएंगी जो कि कर्नाटक से आई हैं। जय श्री राम, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें शिलाओं की तो जो शिलाएं कार्यशाला भवन में रखी हुई हैं उन शिलाओं का दर्शन कराने के लिए, उन शिलाओं को दिखाने के लिए कि किस तरीके से उन शिलाओं पर कार्य हो रहा है अभी या नहीं, उन शिलाओं से राम मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई जा रही हैं या नहीं, उन सारी चीज़ों को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टाइम अयोध्या का जो नया कार्यशाला भवन था जहाँ पर नेपाल से आई हुई शालिग्राम शिलाएं रखी हुई हैं उन शिलाओं को दिखाने के लिए हम प्रेजेंट टाइम उस स्थान पर आ चुके हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं अपने वीडियो में और दिखाते हैं कि किस तरीके से उन शिलाओं को घेरे में रखकर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है प्रेजेंट टाइम और कब तक उन पत्थरों से मंदिर जो मूर्तियाँ हैं मूर्तियों का निर्माण होगा, वो सारी चीज़ आज हम इसी ब्लॉग के जरिए बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम आप सबको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमको चारों तरफ जो शिलाएँ हैं यहाँ पर एक घेरे में बना करके रखी हुई हैं पैक करके, किस तरीके से यहाँ पर जो बाहर से लोग दूर दूर से जो आते हैं यहाँ पर इन शिलाओं का दर्शन करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान से आई तीन शिलाएँ यहाँ पर रखी गई हैं जो राजस्थान से आई हैं और सारे शिलाएँ जो हैं यहीं पर रखी हुई हैं लाइन से, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तमाम सारे पत्थरों की जो से यहाँ पर मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, जिन पत्थरों का इस्तेमाल करके प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर बनने वाली जो मूर्तियाँ लगने वाली हैं वो यहीं से बनाई जाएंगी और उसका मेन कार्य जो है यहीं से किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं ओमकारेश्वर से पूज्य अद्भुत नर्मदा नंद जी महाराज द्वारा लाया गया नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये शिवलिंग लेकर आया गया, इसको चारों तरफ से पैक करके रखा गया है। और उसी के साथ साथ अगर हम बात करें और सारे पत्थरों की तो यहाँ पर ये जो तीन शिलाएँ हैं यहाँ पर भी आपको तीन शिलाएँ देखने को मिल जाएंगी जो कि कर्नाटक से आई हैं और यहाँ पर तीन शिलाओं को देख सकते हैं। इन्हीं सारे शिलाओं से जो मूर्तियों का बनने का कार्य है वो जल्द ही स्टार्ट होगा। इन्हीं पत्थरों से प्रभु श्री राम जी की मूर्तियाँ बनाई जाएंगी और उन मूर्तियों को राम मंदिर के अंदर रखा जाएगा। जैसा कि दोस्तों हमने कई सारे वीडियो में दिखाया है कि रामकथा कुंज की बात कर रहे हैं हम, आज उसी स्थान पर मौजूद हैं। अंदर में कारखाना देख सकते हैं आप यहाँ पर सामने, उस कारखाना में मूर्तियों को बनाने का कार्य किया जा रहा है, हमने अपने वीडियो में दिखाया है आप सबको उसकी भी झलक, उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देखिएगा उस वीडियो को किस तरीके से यहाँ पर कार्य हो रहे हैं। और यहाँ पर भक्तों की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पत्थरों को देखने के लिए बाहर से यहाँ पर भी लोग आते हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है गणेश वाटिका, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ते रहिए कि नुकसान ना हो किसी प्रकार की। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति भी लगाई गई है, अच्छे से यहाँ पर स्थापित की गई है। उनके साथ साथ यहाँ पर भी देख सकते हैं गणेश वाटिका, ये भी काफ़ी अच्छा सा बनाया गया है। देखिए एक आस्था का प्रतीक है ये कार्यशाला, नया कार्यशाला भवन है। अब हम आप सबको जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि आज नए कार्यशाला में क्या हो रहा है, कैसे क्या पत्थरों का निर्माण मंदिरों का जो मूर्तियां बनाई जा रही हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें का काम अभी रुका हुआ है क्योंकि जो मेन मूर्तियाँ हैं वो अंदर में भवन कार्यशाला भवन के अंदर में वहाँ पर कारखाना में उसका काम स्टार्ट है, तो उन सारी मूर्तियों को लगाया जाएगा। उसी के साथ साथ इन मूर्तियों पर भी काम जल्दी से होने वाला है, तो जैसे ही इन मूर्तियों पर काम होगा उसका भी अपडेट देते हैं। तो अब चलते हैं हम पुराने कार्यशाला भवन में, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपडेट देखने को मिलेगा, कई सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा है, तो वहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरीके से आगे कार्य हो रहा है। दोस्तों अगर हम कार्य की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बारीकी से इस जो पिलर्स हैं उसको निखारा जा रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर ये पुराने कार्यशाला भवन में हम आए हुए हैं इस समय प्रेजेंट टाइम, और यहाँ पर ये कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन
से इसको दोबारा सा फिनिशिंग का कार्य हो रहा है वो आप लोग यहीं पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक एक पॉइंट को देख कर निखार कर उसको क्लीन किया जा रहा है अच्छे तरीके से, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी जो कि पुराना कार्यशाला है। और यहीं पर चारों तरफ किस तरीके से यहाँ पर पत्थरों को डिज़ाइन जो कि बन चुकी हैं ये पत्थर, बस इनका फिनिशिंग का कार्य बाकी है जो कई सालों से यहाँ पर रखी हुई थी। तो फाइनली रूप से अब इन सब का टाइम आ चुका है प्रभु श्री राम मंदिर के अंदर लगने का, तो जिन चीज़ों का इंतज़ार था यहाँ पर फाइनली वो दिन आ चुका है। इसीलिए इन सारे चीज़ों पर काफ़ी तेज़ी से कार्य हो रहा है भाई साहब, और चारों तरफ यहाँ पर कार्य करने के लिए लगे हुए हैं लोग, डिज़ाइन बना रहे हैं, उसको फिनिश कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम पत्थरों की फिनिशिंग की बात करें तो यहाँ पर वो कार्य देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और श्री राम मंदिर के अंदर जो पिलर्स लगाए जाएंगे उन पिलर्स के सामने खड़े होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम दिखाते हैं यहाँ पर और सारे जो पिलर्स हैं उन पर किस तरीके से अभी कार्य होना बाकी है। ये सारी पत्थरों को आप लोग देख सकते हैं, कई सौ सालों से इसको रखे गए हैं ऐसे यहाँ पर। तो ये अयोध्या का जो पुराना कार्यशाला भवन था वो यहाँ पर हम प्रेजेंट टाइम मौजूद हैं, और कई सौ सालों से इन पत्थरों को रखा गया है। तो पूर्णतः रूप से कई सालों से विवाद भी चल रहा था राम मंदिर का, तो उसी के हिसाब से जैसे ही राम मंदिर का अपडेट आया कि राम मंदिर बनना स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो जाएगा इस तिथि से, तो फाइनली रूप से यहाँ पर हमको कार्य देखने में काफ़ी ज़्यादा तीव्रता देखने को मिली। उसी के साथ साथ यहाँ के पत्थरों पर जितने सारे पत्थर रखे हुए थे उन पर फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो गया है, और उसी के साथ साथ प्रभु श्री राम का मंदिर भी, प्रभु श्री राम जी का जो मंदिर है काफ़ी तेज़ी से बनने लगा है। वो सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे हमारे चैनल के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि कार्य की बात करें तो कार्य काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होने वाला है, जैसा कि डेट निर्धारित हो गया है 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा, तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और क्रेन से और कई सारी चीज़ों से यहाँ पर दूर दूर से जो पत्थरें लेकर आई जा रही हैं उन पत्थरों से भी प्रभु श्री राम जी की मूर्तियाँ बनाई जाएंगी, मूर्तियों को लेकर जाके राम मंदिर के अंदर रखा जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मंदिर प्रभु श्री राम जी का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, वो तो आप सबको बनने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों फाइनल रूप से अगर आज का ये ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। हम आप सबके लिए हमेशा ऐसे अच्छी से अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।